हेलो एवरीवन, अमेजन से एक पैकेज मंगाया है। देखते हैं इस पैकेज में क्या है। अभी थोड़ी देर पहले ही कॉल आया था अमेजन के डिलीवरी पर्सन का, तो जाके मैंने रिसीव किया है। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो प्रोडक्ट आया है उसके बारे में देखेंगे कि कैसा प्रोडक्ट है, लोगों का रिव्यू क्या रहा है उसको लेके। ठीक है, तो इसको हम ओपन करते हैं। और पैकेजिंग कुछ खास नहीं है अमेजन की। कई बार फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर किया गया तो वहाँ पे एक बढ़िया बॉक्स में आता है, बट ये इन्होंने नॉर्मल पेपर का पैकेजिंग दे दिया है। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो ये देखिए, ऐसा पैकेजिंग था अमेजन का जिसमें अंदर इन्होंने इनवॉइस दी है। और इतना हल्का पैकेजिंग, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम प्रोडक्ट की तरफ। क्या मंगाया गया है, ये इनवॉइस है, उसको साइड रख देते हैं। ये है हमारा प्रोडक्ट जो हमने ऑर्डर किया था। प्रोडक्ट तो हमने दोनों सेम ऑर्डर किया था, बट मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। अब ऐसा क्यों है? एक प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है बोट साउंड एज फंक, ये ब्रांड एम्बेसडर का यहाँ पे इमेज दे रखा है इन्होंने। दूसरे पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ये भी बोट का ही है, मेड इन इंडिया। हो सकता है इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग जो है अलग अलग हो, इस वजह से कंपनी ने पैकेज में कुछ चेंजेस किए हैं। इधर देखेंगे, इधर दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, बट इसमें भी कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है पैकेजिंग में। तो पता नहीं क्यों ऐसा है। अब इसको हम दोनों को एक एक करके ओपन करते हैं। ठीक है, ये मैंने मंगाया है बोट का ईयरफोन अपने भाई बहन के लिए, एक भाई के लिए, एक बहन के लिए। तो इसको देखते हैं ओपन करके। पहले इस रेड वाले को देखेंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता नहीं क्यों है। मैंने बस कलर चेंज किया था, बट पता नहीं क्यों दोनों में डिफरेंस है। अब वैसे है दोनों बोट का ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोट। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं तभी आगे कुछ पता चलेगा। यहाँ पे एक फ्री पाउच लिखा हुआ है एक में, और दूसरे में ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे फ्री पाउच लिखा हुआ है इस पिंक वाले में। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, देखते हैं खोलने पर ही पता लगेगा। काफ़ी फेमस ब्रांड है बोट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के लिए, खासतौर पे इस तरह के हेडफोन्स वगैरह के लिए। बोट का मैंने पिछली बार जो है एयरड्रॉप्स भी मंगाए थे ब्लूटूथ वाले, तो इस बार मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा ही इसकी जो है रेटिंग और लोगों ने जो इस परचेज किया हुआ था फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों के। तो इसको ओपन करते हैं। तो ये मैंने इसको ओपन कर दिया है। सबसे पहले रेड वाले को चेक करते हैं। तो ये रहा हमारे पास जो आया है बोट ने इस तरीके से ईयरफोन की पैकेजिंग की है, आप देख सकते हैं। ठीक है, रेड कलर का ये मंगाया था हमने, और इसमें कुछ आपको ये दिए हुए हैं चेंज करने के लिए। जैसे ये ख़राब जब हो जाए तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, या छोटे बड़े साइज़ की वजह से। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने एक पैकेज भी दिया हुआ है, आप चाहे तो इसमें रख के और इसको पैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इसमें इन्होंने पैकेज दिया है, बट यहाँ पे कहीं लिखा नहीं था। और यही चीज़ शायद इसमें इन्होंने यहाँ पे लिख दी है फ्री पाउच, बट इसमें कहीं लिखा नहीं था। खैर, इसमें ये मिला हमें, तो इसको हम चेक भी करेंगे। और ये जो है काफ़ी क्वालिटेटिव है। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा मैं कि ये मुझे कितने का मिला है। ठीक है, और इससे थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि फ़्लिपकार्ट पे क्या प्राइस चल रहा था और अमेजन पे सेम टाइम में। तो हमने कौन से, हमने जो है इसको अमेजन से ऑर्डर किया, तो क्या प्राइस हमें पड़ा है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो इसको चेक भी करेंगे लास्ट में। पहले हम क्या करते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ अलग है, क्योंकि इसकी पैकेजिंग अलग थी। तो ये रहा, बिल्कुल सेम ही है अंदर से, बस बाहर की पैकेजिंग अलग थी। इसमें भी इन्होंने जो है पाउच दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे लिखा भी था इन्होंने फ्री पाउच। तो हम इसमें इसको रख के अपना हेडफोन और इसको बंद कर सकते हैं। बाकी सब कुछ सेम जैसा लग रहा है मुझे। इसमें भी इन्होंने दो एक्स्ट्रा ये ईयरबड्स दिए हैं, जिनको हम साइज़ के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बाकी अब इसको हमें चेक करना है, तो हम चेक कर लेंगे अपने फ़ोन में चेक करके। बट इसमें
बात ये है कि अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे ही पता चलेगा कि ये कैसा इसका साउंड आ रहा है, आप तो नहीं जान पाएंगे। ये कॉलिंग वाला है, इसमें हम कॉल भी रिसीव कर सकते हैं ये बटन प्रेस करके, और कॉल अटेंड कर सकते हैं या हम कॉल कर सकते हैं अपनी तरफ से इससे। बस इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि लोगों का जो है रिव्यू क्या रहा है और प्राइस क्या है दोनों वेबसाइट्स। इसके अलावा हेडफोन्स के अलावा और क्या क्या है इन्होंने दिया है ये देख लेते हैं। एक 1 ईयर की यहाँ पे मैन्युफैक्चरर वारंटी है हमारे पास, ये हमारा वारंटी कार्ड हो जाएगा, ठीक है। और हमारा इनवॉइस भी जो है वारंटी कार्ड के लिए काम करता है कि कब हमने परचेज किया था, तो वो तो हमारे पास है ही। दूसरा, इन्होंने ये कुछ चिपकाने के लिए दिया है, इसको हम कहीं चिपका सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ यूजर मैनुअल दिया है, ये ब्रांड एम्बेसडर जो इनके हैं बोर्ड के, वो सारे लाइन से इन्होंने दे रखे हैं। काफ़ी एडवर्टाइजमेंट पे इस कंपनी ने जो है पैसे खर्च किए हैं, काफ़ी फेमस स्टार सुपरस्टार क्रिकेटर्स इन लोगों से इन्होंने एडवर्टाइज करवा रखा है, और दोनों तरफ केवल वही है। और कुछ इनके पुराने जो है और भी जो गैजेट्स ये बनाते हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, ये बॉक्स था, पाउच था। अब जो है हम इसको एक बार देख लेते हैं कि इसका प्राइस दोनों पे क्या चल रहा था। तो ये देखिए फ्लिपकार्ट पे जो है ये सेम जो ईयरफोन है वो 339 रुपीज़ का दिखा रहा है, ठीक है। इस कलर का, कलर की वजह से कई बार प्राइस में चेंजेस आते हैं, तो 339 का रेड वाला दिखा रहा है। और इसमें जो है 12 लाख लोगों ने रेटिंग दे रखी है, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मान सकते हैं हम इसको। और दूसरा जो है पिंक वाला, इसका भी प्राइस जो है देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 399 प्राइस दिखा रहा है, 399 कलर चेंज करने पे, सेम हेडफोन बोट बेस हेड्स 100 वायर्ड हेडसेट, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि अमेजन पे इसका क्या प्राइस था जहाँ से हमने परचेज किया है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे अमेजन का वेबसाइट जो है एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है, इसमें सेम हेडफोन जो है बोट बेस हेड वाला जो है इसका प्राइस देख सकते हैं आप यहाँ पे 299, ठीक है। वहाँ पे 399 था पिंक वाला, यहाँ पे 299 का है। और कलर चेंज करके देख लेता हूँ, पिंक वाला जो है ये भी 299 का है, ठीक है। तो यहाँ पे 299 का, तो हमने क्योंकि अमेजोन से ही परचेज किया है तो हमें ये ऑलमोस्ट 600 का पड़ा है। और दो प्रोडक्ट लेने पे यानी कि 499 से ऊपर लेते हैं जब हम कोई प्रोडक्ट, तो डिलीवरी फ्री होती है, तो इसमें कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं लगे थे। और ऐसा नहीं है कि हमेशा अमेजोन पे प्रोडक्ट जो है वो सस्ते मिलते हैं, कई बार फ्लिपकार्ट पे सस्ते मिल रहे होते हैं अमेजोन से। तो जब भी हमें कुछ लेना होता है तो मैं तो आप लोगों को लोग यही सजेस्ट करूँगा, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी वेबसाइट से आप लेते हैं उन दो पे कंपेयर कर सकते हैं, जिससे प्राइस सही हो सेम प्रोडक्ट वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ लोगों का रिव्यू भी देखना ज़रूरी होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।